हाय, सो एज वी डिसाइडेड इन अ लास्ट वीडियो कि वी शुड यूज परमानेंट इंस्टॉलेशन वे ब्रिजेस विच कैन बी यूज पोर्टेबली एज वेल. सो नाउ आई वुड लाइक टू मे टेल यू अबाउट डिफरेंस विच कॉमनली पीपल हैव कि आपको एक पिट टाइप वे ब्रिज लेना चाहिए कि एक पिटलेस वे ब्रिज लेना चाहिए. नाउ वॉट आर पिट टाइप वे ब्रिजेस एंड वॉट आर पिटलेस वे ब्रिजेस. एज यू कैन सी हियर, वी आर शोइंग यू अ पिट टाइप वे ब्रिज ड्रॉइंग. एंड अ पिट टाइप वे ब्रिज इज एसेंशियली कि आपकी जो ग्राउंड लेवल होती है वो ग्राउंड लेवल तक आपकी वे ब्रिज इंस्टॉल होती है और उसके नीचे उसका फाउंडेशन होता है, जैसे आप यहां देख सकते हो. तो ये ग्राउंड लेवल पे होती है. एक पिटलेस वे ब्रिज जो आप यहां देख सकते हो, ये एक पिटलेस वे ब्रिज इज नथिंग बट समथिंग विच इज इंस्टॉल्ड अबव द ग्राउंड लेवल, करीबन 1 फीट 2 फीट 3 फीट डिपेंडिंग ऑन योर वे ब्रिज हाइट. नाउ इफ अ पिटलेस वे ब्रिज इज इंस्टॉल्ड अबव द ग्राउंड लेवल एंड अ पिट टाइप वे ब्रिज इज इंस्टॉल्ड एट द ग्राउंड लेवल, तो अगर ऊपर इंस्टॉल होगी तो ऑफकोर्स उसको चढ़ने के लिए वी विल हैव टू मेक रैंप्स, देयर बाय देयर इज अ मोर स्पेस रिक्वायर्ड इन पिटलेस वे ब्रिजेस. अब एक पिट टाइप वे ब्रिज लगाए कि पिटलेस, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है. अगर आपके यहां पर वाटर लॉगिंग होता है, वाटर जाम होता है, पानी जाम होता है, तो आपको एक पिटलेस वे ब्रिज लगाना चाहिए अगर आपके पास जगह है तो. अगर आपके पास जगह नहीं है और आपके यहाँ पानी भी जाम होता है तो आप एक पिटलेस वे ब्रिज नहीं लगा सकते. तो आप एक पिट टाइप वे ब्रिज से काम कर सकते हो. वहां पर आपको एक पंप लगाना पड़ेगा. यू विल हैव टू पुट अ वाटर पंप जहां से वाटर सक्शन हो. एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि आप अपने फाउंडेशन में एक ढलान बना दो और वहां से एक पाइप निकाल के एक गटर में डाल दो जहां से आपकी पानी ड्रेन आउट हो जाए. If you have these kind of facilities, तब एक पिट टाइप वे ब्रिज के लगाएं. एंड वाटर लॉगिंग, लेट मी टेल यू वाई आर वी टॉकिंग अबाउट वाटर लॉगिंग एंड पानी जमना, क्योंकि अगर वो होता है तो आपके लोड सेल के अंदर डेंजर पे है, चाहे वो IP69 क्लास है, IP68 क्लास है, बिकॉज नो लोड सेल्स आर वाटर प्रूफ. इफ एनी वन टेल्स यू दैट इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. इट इज ओनली वाटर प्रूफ टिल अ सर्टन लिमिट अकॉर्डिंग टू द IP क्लासेस, अंडर अ सर्टन लिमिट ऑफ वाटर फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. If you want those details, that can even be shared. So, let me tell you कि pit type and pitless के अंदर पानी के ऊपर ये difference है, ramp के ऊपर ये difference है. आज के दिन में लोग pitless ज़्यादा लगाने का सोच रहे हैं because it is more safer for your load cells. But let me tell you, pit type is no bad. Pit type के अंदर आपकी servicing easier है compared to pitless, as it is a pit which is approximately 1000 mm, तो वहाँ बंदा घुस के उसको चेक करके सॉल्व भी कर सकता है. एक पिटलेस के अंदर उसको नीचे घुसना पड़ेगा, तो उसके नीचे घुसने के लिए अगर हम लोग जगह छोड़ेंगे तो इट विल बी मोर हायर. सो यू हैव रैम्प्स विच आर लॉन्गर, क्योंकि वो 1:10 रेशियो में रैम्प बनते हैं. तो अब पिट टाइप एंड पिटलेस के बारे में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया. वन इज द रैम्प यू हैव टू मेक इन पिटलेस वे ब्रिजेस. सेकंड इज पिट टाइप के अंदर सर्विसिंग ईजी होती है. अगर आपके यहाँ पानी जमता है और आपके पास जगह है तो आपको पिटलेस वे ब्रिज लगाना चाहिए. एंड दोनों के लिए आपको फाउंडेशन के लिए यू विल हैव टू गो डाउन टिल द मदर सॉइल टू मेक इट अ हैवी फाउंडेशन. सो दीज आर द एसेंशियल डिफरेंसेज बिटवीन पिट टाइप एंड पिटलेस. एंड इफ यू हैव स्टिल अदर क्वेश्चन अबाउट दिस टू नो मोर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन द बिलो मैंशनड नंबर एंड ईमेल एड्रेस एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू ऑल योर आंसर्स. And you can leave a comment on this video for getting back as well. We can get back and solve all your comments. And to know more about different questions, you can subscribe to our channel. And we will be more than happy to share you all the videos, whichever we come up with. Thank you. Thank you so much.